नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे पार्टनर, माय बैकबोन, इनसे। इनका नाम है अजिंक्य आहिर, ये मेरे क्लासमेट थे। अभी कैमरा का एंगल थोड़ा बड़ा किया, हमारे भाई की हाइट जरा बड़ी है। तो हमने दोनों ने गोट फार्मिंग के पहले हमने पोल्ट्री फार्म चालू किया था दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या रहता है, ये बहुत सारे कमेंट आए, मैंने छोटा कुछ तो भी वीडियो डाला था 1-1.5 मिनट का। तो पोल्ट्री फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग हमें समझाइए। तो आज हम दोनों उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आज पूरा वीडियो देखिए। पोल्ट्री फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो हमने लगभग शुरुआत 5000 पक्षियों से की थी, 5000 से हमने की थी लगभग स्टार्टिंग। और हमने शेड लिया था फार्म, ये शामे है हमारा। तो 5000 इससे हमने स्टार्टिंग किया था पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में चीज ऐसी रहती है कि आपको कंपनी जो रहती है, कंपनी चिक्स देती है, यानी कि जो बच्चे रहते हैं चिकन्स के, उसको चिक्स बोलते हैं। तो वो प्रोवाइड करती है, आपका बस फार्म होता है, आपको शेड का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोबा करना है, पत्रे डालने हैं अच्छे क्वालिटी के, अंदर आपको फोडर का जो उनका ये आता है, जो डब्बा आता है उनका मुर्गियों का, वो डब्बा भी आपको डालना है, फीडर का, वाटर लेवल, टैंक, बिंग, सब आपको करना है। तो उसमें कंपनी आपको दोस्तों बस खाली चिक्स देती है, चिक्स के बाद वो आपको फीड पहुंचा देती है घर तक, मेडिसिन देती है, मेडिसिन का खर्चा करती है, और जो मेडिसिन भी रहे तो आपके फार्म तक पहुंचाती है, जो वैक्सीनेशन रहता है लसोटा वगैरह 14 दिन का 7 दिन का बच्चों का, वो भी आपकी तरफ पहुंचाती है। तो आपके पास अगर कौन से, अगर वेंकी कंपनी तो होंगी सारे इंडिया में, वेंकी कंपनी, अपना वेंकी कंपनी का ही था ना, और उसमें आकाश वीर है अपने पास, आनंद, हाँ वेंकटेश, आनंद एग्रो है, ऐसी बहुत सारी, अभी एक पवार भी आई सोने जा रहा उधर। तो ये कंपनी है आपको, अभी वो अपने को देती है और सब चीज देती है, बस आपको क्या करना है, आपको फीडिंग कराना है और बड़ा करना है बस। जो चीक्स रहते हैं उनको बड़ा करना है, 45 डेज के लिए हमने बड़े किए थे, 3 बैच हमने की थी। हमारा लगभग ऐसा रहता है, FCR रहता है उनको, जितना फीड वो खिलाती है आपको, वो फीड आपको कंपनी बेचती है, आप जो उनको चीक्स को खिलाते, तो जितना फीड हो कंपनी आपको दे के आप चीक्स को खिलाते, वो वजन कितना बढ़ रहा है उनका, तो उनपे उनकी क्वांटिटी रहती है, उनका एक, उसका एक फॉर्मुलेशन रहता है, रेशो निकालते। तो वो रेशो उनको, इसके लिए भी काम को आता है कि अजिंक्य और गौरव भाई जैसे जो पोल्ट्री फार्मर है, वो फीड को चोरी ना करे, अलग से बेचे ना। तो और उनका एक समझता है कि FCR मीन फीड कंजम्पशन रेशियो, कितना फीड खा के मुर्गी ने कितना किलो वेट गेन किया। साधारण 1.5 का FCR रहता है, मे बी 1.5 kg जब एक मुर्गी खाती है तो उसको 1 किलो बढ़ना है, तो उस हिसाब से वो FCR निकालते हैं। और हमें रेट रहता है, कभी 70 रुपये रहता है, कभी 80 रुपये रहता है, कभी 120 भी रहता है, इंशाल्लाह था अभी आगे भी आएगा, पोल्ट्री फार्मर को मिले इतना अच्छा रेट तो अच्छी बात होगी, फार्मर बड़ा होगा ना। तो हमें लगभग 70 से 80 रुपये रेट मिला था, तो उसमें आपको उसको बड़ा करने को कंपनी को जितना पैसा आता है, उसको जो पैसा लगता है कंपनी को, फीडिंग, मेडिकल, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, उतना पैसा वो काट के अपने को एक रेशो FCR देख के, अपना रेशो अपने को 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये अपने को लगभग मिले थे, तो 6 रुपये देती थी। तो हमारी मुर्गियाँ थी लगभग 5000 मुर्गियाँ थी, तो 200-300 तो पहले बैच में मोर्टेलिटी हुई थी, कुछ रीजन हमें पता नहीं थे, ब्रीडिंग देना पड़ती है, उतनी होती है 3-2% तो मोर्टेलिटी होती है। तो नहीं, पहली बार अपनी ज्यादा हुई थी, 450 हुई थी, बाद में हमने दूसरी और तीसरी बैच में कम किया थी मोर्टेलिटी, हीट में ज्यादा, हीट में, हाँ समर सीजन था हमारा, एक्चुअली रॉन्ग सीजन हमने चॉइस किया था, लेकिन आप अगर प्रिकॉशन ले, हमने 5 शॉट डाला था उसका काट के, बहुत मेहनत की थी अपन, पाड़े को स्प्रिंकलर लगा सकते और कोटिंग का पत्र, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव जाता है ना पोल्ट्री फार्मर के लिए। तो फिर ये चीजें आप कर सकते हैं, और आप कितना उनपे ध्यान दे रहे, आप जो बच्चे जब लाते चिक्स तो 15 दिन उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती, हम सोए नहीं थे अजिंक्य साइड से, पता है, याद है तुमको, नाइट में यानी कि बहुत 90 मारे हमने नाइट में तो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन जो उसका स्मेल था, जो दिन थे, वो मेहनत भी उतनी लगती थी। हमको लगभग 6 रुपये रेट मिला था, तो आपको अगर 5-6 रुपये तो मिल ही जाता है रेट, और अगर आपके 5000, अपन एक उदाहरण, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आपके 5000 बर्ड्स है, तो 5000 बर्ड्स का, एक बर्ड्स का वेट हुआ 2 किलो, ये एग्जांपल दे रहा खाली, तो आपको कंपनी ने FCR के हिसाब से ये 5 रुपये बराबर, तो 5000 बर्ड्स का वेट हुआ 10,000 यानी कि 10,000 किलो, तो 10,000 किलो मल्टीप्लाई 5 रुपीज, तो कुछ तो भी 50-55 हजार का चेक निकलता है उसको, तो ऐसा एक रेशियो रहता है उसमें, ऐसा पैसा आते है, तो और बाद में आपने को वो क्या बेचते हैं अपन, उनका जो फीड रहता है नीचे गिरा हुआ,
तो उनकी पॉटी वगैरह रहती है वो भी खद बोल के बेच सकते हैं ना, वो मैन्योर बोल के बेच सकते हैं। वो फार्मर जो लोग हैं हमारे पास से तो फार्मर ही लेते थे एक्चुअली। हमारे को अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, जो हमने रेंट पे लिया था तो रेंट भी बढ़ा दिया बाद में, और जो मैन्योर बनता था पोल्ट्री से मुर्गियों का वो भी ये ले लेता था जो हमारा ओनर था, हमने रेंट पे लिया था 15,000 कुछ तो भी समथिंग हमको भाड़ा था। तो ये चीजें होती है। बाद में आप जब बच्चे लाते हो तो रात भर जागकर उनको शू शू करते हुए भगाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, नन्ही मुन्नी जान होती है जैसे अपने बच्चे होते हैं वैसे, क्योंकि उनको कुछ चीज समझती नहीं, वो मशीन से निकले हुए रहते हैं, इंक्यूबेटर बोलते हैं जो हैचिंग करके उनको अंडे में से निकालते हैं, जो साइंटिस्ट लोगों ने इतनी बड़ी मशीनरी बनाई उसमें से वो निकालते हैं, उसको हैचिंग बोलते हैं, इंक्यूबेटर मशीन का नाम है। तो उसमें से निकाल कर जब अपन फार्म पे लाते हैं तो 4 मिनट रह ले तो हीट में से वो डायरेक्ट अपने फार्म पे आते हैं, तो एटमॉस्फेयर डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो अपने को क्या वो लाइट वेट बिल्डिंग लगाई थी हमने, वो पूरा ताड़पत्री ग्रीन नेट सब लगाया था, एक दिन तो अंदर ही रखना, अंदर ही रखना था। और जब आप करोगे ये इतनी सादी चीज नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। हम इतने मोटे अच्छे खासे तगड़े पहलवान थे, हमारा लगभग 5 से 7 किलो तक वेट लॉस हो चुका था, खाना पीना कुछ टाइम पे नहीं था, जिंदगी बेहाल हो गई थी, बस इतना ही। लेकिन इतनी बात है, अगर आप पूरे पोटेंशियल से पूरे हार्डवर्क से करोगे तो गोट फार्मिंग से ज्यादा उसमें ज्यादा पैसे, इसमें इनकम, यानी कि मेन थिंग क्या है, आपका रोटेशन फिरता रहता, आपको 45 डेज में 2 महीने में आपको पेमेंट आते रहते। अगर आपके 3 पोल्ट्री रहे तो आप लाइन में से डालो, हर महीने को आपको एक 40,000-50,000 मिलेंगे। क्या चाहिए एक फार्मर को, बस घर में का एक आदमी होना। वैक्सीनेशन हमने कैसे किए थे बताइए, पूरा वैक्सीनेशन जो फार्मर लोग क्या करते, लाते और फेंक देते, हमने एक एक बूंद पानी में डालना हो या आग में डालना हो या उनको इंजेक्ट करना हो, हमने सब दी थी। अजिंक्य भाई सही बात है ना, हमारी जो ये थाइज है ना, थाइज दोस्तों ऐसा बैठ बैठ के देना पड़ता, तो ये पूरा तकलीफ हुई थी 2 दिन तक, चलने नहीं आ रहा था, बैठने नहीं आ रहा था, तो हमने तकलीफ ली इसलिए तो पैसा मिला। तो ऐसा कुछ नहीं रहता पोल्ट्री डाली और लाखों करोड़ों कमाई ऐसे वीडियो रहते, ये बात सही नहीं। मेहनत करूंगा करोगे पैसा मिलेगा, 101% मिलेगा, आपकी रोजी रोटी कोई नहीं छीन सकता, आपने मेहनत करना होना, बस इतनी सी बात थी। और पोल्ट्री फार्मिंग पे हम लेयर फार्मिंग पे हमारे भाई है नितिन जी, नितिन पगार, उन पे हम वीडियो बनाएंगे लेयर फार्मिंग में कैसे पैसे, अंडे के पीछे कितना प्रॉफिट आता, मुर्गी कितना रुपए का खाती, तो ये चीजें हम बताएंगे। और ये जो कंपनी का रहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये आप खुद भी कर सकते, खुद आप चिक्स लाओ, बच्चे लाओ मुर्गियों के छोटे, एक 1 डे 2 डेज के हैचिंग, प्राइवेट हैचिंग जो कंपनी उनसे लाओ जो हैचिंग कराते एक से, और फीड की भी मिल रहे थे उनसे फीड लो, मेडिकल से मेडिसिन लो, डॉक्टर को कंसल्ट के लिए 5-6 हजार दे दो और आप बड़े कीजो, लेकिन उनमें रिस्क भी रहते उतने, इसमें रहते हैं इनकम भी, हाँ एक 50,000 नहीं 5,000 के लिए लगभग 6 लाख रुपए तो चाहिए आपको कैपिटल रोकड़ा, वो भी जेब में तो भी मार्केट कैसा मिलेगा, क्या ये चीज रहती। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, दिस इज माय बैकबोन, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय फैमिली, माय एवरीथिंग। अजिंक्य आयर ये अपना पार्टनर है, ये सामने नहीं आता, ये सिविल इंजीनियर है, ये भी सिविल, अभी अभी इसकी फिलहाल शादी हुई भाई की, भाई को बधाई दो, और अगले वीडियो में कभी तो भी इसको दिखाऊंगा अपने भाई को। और ऐसा ही प्यार बनाते रखना, वीडियो देखते रहना, शेयर करना, लाइक करना, और हर्षल जी हमारे कुंदन जी के साथ आए हुए वीडियो निकाल रहे हैं, ये सब सारे दोस्तों की मेरी मेहरबानी, इतना दोस्तों ने संभाला, इतना मुझे प्यार दिया, जो भी मैं आज कुछ हूँ मेरे दोस्तों की वजह और आप सब सब्सक्राइब करके वजह से। तो थैंक यू, बकरी वाले को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कीजिए हर्षल भाई के इसमें।